एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरा स्पेशल डायरी। और हम जा रहे हैं चंडीगढ़ से बीकानेर तक, और बीच में हमारे और भी दो तीन स्पॉट हो सकते हैं रुकने के। तो हमारा ट्रिप रहेगा 3-4 दिन का, और जहाँ जहाँ भी हम घूमेंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर ट्रिप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे ताकि आप कभी भी ट्रिप प्लान करो तो आपके लिए हेल्पफुल। वहाँ पे जा रहे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने, और आप सबको भी एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर एंड स्टे ब्लेस यू ऑल, एंड बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आए। 2024 सबके लिए बहुत अच्छा हो। और हमने एंटर कर लिया है राजस्थान बॉर्डर में, और यहाँ से हमें कैमल वगैरह स्टार्ट हो गए दिखने, और देखो सैंड वगैरह यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो हम चले थे 11 बजे के आसपास, 3 बज गए हैं और अभी पहुँचे हम, अभी स्टार्ट हुआ है राजस्थान। तो विनायक भी यहाँ पे मस्ती कर रहा है, कैमल देख के खुश हो रहा है ये। हेलो विनायक, मजा आ रहा? 315 किलोमीटर चलने के बाद यही है राजस्थान बॉर्डर। ये है राजस्थान बॉर्डर, मलेशिया से पीछे जो है। कहाँ पहुँचे हम? ये क्या है, बकली? यहाँ से हमें दिखना चाहिए। वो नहीं, बुरे नहीं आए, ये थोड़ा आगे पीछे गैप बन गया है। सब कॉन्शियस हो गए अपने फोटोज के लिए। सो यहाँ पे रुके हैं हम खाना खाने के लिए, और हम चंडीगढ़ से सीधा ही निकले। एक दो बार मुश्किल से रुके हम यहाँ पे, और एक बार अलाइनमेंट गाड़ी की चेक कराने के लिए, और अब हम रुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। राजस्थानी का बोल रहे हैं कि ऑथेंटिक खाना मिलता है, पता नहीं कैसा मिलेगा, लेट्स सी। और यहाँ पे हमें जहाँ भी देख रहे हैं हम रेत रेत दिख रही है, और हरियाणा में पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा था हमारे को। विनायक को मार पड़ चुकी है अभी, इस बीच में होती रहती है थोड़ी बहुत शूटिंग करने में। सो हमने मंगाया है गट्टे की सब्जी, और एक है दाल, कोई दाल फ्राई, दाल नहीं है टमाटर प्याज चटनी। अच्छा, टमाटर प्याज की चटनी और बाजरे की रोटी, मिस्सी रोटी, और ये हमें सैलेड। तो हम खा के बताएंगे कि ये कितना टेस्टी है, डिलीशियस। देखने में तो डिलीशियस लग रहा है, बाकी देखते हैं। और किसने लिया जली कट्टू? ले 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 ले। जली कट्टू कौन था? ये वाला। अच्छा, ये नहीं था, ये था ये वाला। अच्छा, ये नाम तो अच्छे हैं, जली कट्टू। इसका नाम है ओशन। बस इतना सा? ये भगवान, ये ओशन खाती है इतना सा खाना। और विनायक को भी अच्छा लगा ये खाना। ये है शहीद भगत सिंह होटल, और इसका खाना बहुत अच्छा लगा हमारे को, और इसका कॉन्टेक्ट नंबर भी है, अगर आप यहाँ से आओ तो यहाँ पे खा सकते हो खाना। ये क्या, आपने अपना घर तोड़ दिया है? ये तो तोड़ दिया आपने। चप्पल बना रहे थे आप इस पे? हाँ। आपने हैंडू गंदे कर दिया अपने। इतनी जल्दी? अच्छा, कैसे? विनायक बोलो सब्सक्राइब, बोलो सब्सक्राइब। Yeah, 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 ye
कहाँ आगे विनायक, ये घर अच्छा लग रहा है आपको? अब हम यही रहेंगे ठीक है? ये लिया है हमने आज का रूम और वॉशरूम काफी क्लीन है और इन्होंने प्रोवाइड किया है हमारे को अलमीरा और टीवी। नहीं टीवी नहीं है, टीवी है ही नहीं। ओ टीवी तो है नहीं। अभी तैयार हुए, क्लीन सी बेडशीट हमने बोला इनको कि बिछाओ और फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय भी कर सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा पार्क है, छोटा सा नहीं काफी बड़ा है पर प्यारा सा है लोकेशन। पर अभी थोड़ी सी ठंड हो रही है पर हम सुबह जाएंगे यहाँ पे। ऐसे पूरा चारों तरफ एक पार्क है इसमें, तो ये हमें अच्छा लगा ऑप्शन। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज यहाँ पे बीकानेर में हमारे को है सेकंड डे, तैयार रेडी हो रहे हैं और अब जाएंगे। पर बाहर बहुत फोग है, थोड़ी देर में निकलेंगे। सो हम पहुँच गए हैं अपने कैंपसाइट पे। हमने पार्टी बुक नहीं करवाया, उम्मीद करवाया क्योंकि हमें ये यहाँ वहाँ पे पूल बुक था तो हमने ये वाला कैंप बुक करवाया है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट फुल है पर हमें मिल गया है। हाँ सो ये वाला टेंट हाउस मिला हमारे को। देखते हैं अंदर से कि कैसा है इसका इंटीरियर। देखो ले मैडम बाबा, तो ये है यहाँ पे हमारा टेंट हाउस। ये हमें दो बेड दे रहे हैं, एक छोटा सा टेबल, वेडिंग लगेगी अभी तो ऑलमोस्ट। ये एक ही है क्या? ये है वॉशरूम्स। और ये काफी क्लीन है और ये विनायक की मस्ती होगी स्टार्ट। और विनायक के लिए मिल गया यहाँ पे खेलने के लिए। सबसे ज्यादा तो विनायक खुश है। विनायक कैसे लगा ये घर, कैसे लगा है? अच्छे तो इस पे पैर रख के खड़े होके, हाँ ऐसे विनायक तू तो हिल भी नहीं रहे हो। हटो हटो विनायक, हटो 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 हटो। 1 2 3 ये विनायक लगेगी। विनायक रोको 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 रोको, मुझे जल्दी जल्दी जल्दी। और हम विनायक को ढूंढने जा रहे हैं, वो नाराज होके आ गया था यहाँ वापस। टाइम
जो भी किया। सॉरी विनय खाई रोट गया था अकेले। छोटा बेबी उठ गया था। मासी तो सॉरी बोल रही है। मासी सॉरी, मासी तो जा रही है अब ऑफिस। सॉरी सॉरी, क्या किया मासी ने? जीती थी मासी। मासी क्यों जीती? नहीं विनायक तो जीत गया था। थोड़ी तो मारते रोते नहीं है, कभी कोई जीता है कभी कुछ है। नहीं हाँ सब रोते हैं, रोते तो ज्यादा मंदिर। विनायक रूठ के ना यहाँ अकेला बैठ गया था, तब हम मना के अब लेके गई हैं इसको। हाँ ये बहुत बड़ा पार्क है। अच्छा यार बच्चों के लिए था ना। ओ और अब विनायक भूल गया कि मैं रूठ गया था। सॉरी बोल दिया आपको, मैं अब जीतूंगी नहीं आपसे, ठीक है? अब नहीं जीतेगी मासी। मैं थप्पड़ नहीं मारते मासी को, मासी को तो प्यार करते हैं ना। बिना ही खाना खाएगा कुछ? मैं आपको नहीं है। हमें वॉशरूम जो प्रोवाइड किया इन्होंने, टॉवल्स जो कि काफी क्लीन है, सो ये यहाँ के इवनिंग वाली वाइब्स है। कार में हमें यहाँ तक छोड़ते हैं, पानी तो हम भी नहीं लाए। और वो वाला सफर भी बहुत अच्छा होता है, इतने मजे किए हमने। ऐसे ये मजेदार था, रेत के फिर कभी प्लेन आ रहा कभी पहाड़ आ रहे, तो बहुत मजा आया। और अब हम यहाँ से जाएंगे कैमल राइड पे और फिर ये वापस लेके जाएंगे हमें कैंप पे। हम पहुँच गए हैं वापस अपनी कैंप साइट पे और डेजर्ट सफारी का बहुत अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और अब हम जा रहे हैं जूनागढ़ फोर्ट और एक दो लोकेशंस और हैं वहाँ पे हम कवर करेंगे आज के दिन। और यहू यस अजीबो सा शहंशाह। यू कैन डू इट, ये वेरी गुड।
सो हम पहुंच गए हैं अब जूनागढ़ फोर्ट और यहाँ एक्सप्लोर करेंगे। कितना बड़ा महल है ये। सो ये है यहाँ से एंटर आते ही यहाँ पे टिकट्स लेनी पड़ेगी और ये है यहाँ पे प्राइजेस। ये मिल गई हमें अपनी टिकट्स और अब हम जा रहे हैं अंदर। तो ये जिसको देखना है आगे जाओ, यहीं से वापस एग्जिट है। सो ऐसे दो यहाँ पे कुछ भी फंक्शन होता होगा तो राजा रानिया। हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे और ये देखो इतने छोटे छोटे से रास्ते। जो राज परिवार की महिलाएं होती होगी वो यहाँ से देखती होगी, नीचे कुछ भी फंक्शन चलता होगा। ये यहाँ का इंटीरियर जो कि बहुत पहले के बने हैं। भगवान जी प्लीज दर्शन दे दो। ये है इच्छाधारी हनुमान जी। हैं देखते हैं ये कहाँ जा रहे लोग। मैं वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। सो मैंने जितने भी महल विजिट किए वहाँ पे मुझे हर जगह तुलसी का पौधा दिखा। ये बिल्कुल प्रिजर्व करके रखा हुआ है उन्होंने टाइम का। कैटवॉक एंड अब जा रहे हम दूसरी तरफ डोंगर निवास। तो यहाँ से उनको दिखता होगा बाहर का भी। वाओ तो ये महल मैंने ऐसे देखा जिसमें एयर सनलाइट इतनी ज्यादा अमाउंट में, बाकी महल थोड़े से ऐसे अंधेरे अंधेरे टाइप होते हैं पर ये मुझे दिखा बहुत ही अच्छे वाला। और ये आ रहे हैं हमारे अपने लोग। ये है हमारे फिलोसोफर। मनी
हनुमान जी बनाओ। ये देखो कितना सुंदर है, जालियां लगी है देख सकते हो। तो हम जा रहे नेक्स्ट से क्या रानी था जल्दी के लिए लाल निवास। ये है लाल निवास, ये है लाल राजा का निवास। देखना कितना प्यारा मिरर है।